गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज क्लास 6 इंग्लिश ग्रामर, चैप्टर नंबर 12। द नेम ऑफ द चैप्टर इज प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल। यू ऑल नो दैट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। टुडे वी विल लर्न अबाउट द प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल। हम लोग वर्तमान काल के बारे में पढ़ेंगे। वर्तमान काल क्या होता है, प्रेजेंट टेंस क्या होता है, जो काम अभी हो रहा है। इस समय वर्तमान काल में जो भी कार्य होता है उसमें हम लोग प्रेजेंट टेंस के नाम से जानते हैं। और इन प्रेजेंट टेंस के 4 फॉर्म होते हैं, हर टेंस के 4 फॉर्म होते हैं, प्रेजेंट टेंस में भी 4 फॉर्म है। पहला है सिंपल प्रेजेंट, जिसे हम लोग प्रेजेंट इंडिफिनिट भी कहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। देयर आर द 4 फॉर्म्स ऑफ द प्रेजेंट टेंस, वी विल स्टडी अबाउट इट वन बाय वन। सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडिफिनिट, जैसा मैंने कहा, इसके 2 नाम हैं। वी यूज द सिंपल प्रेजेंट टेंस टू टॉक अबाउट द एक्शंस वी सी एज लॉन्ग टर्म और परमानेंट। इट इज वेरी कॉमन एंड वेरी इंपॉर्टेंट टेंस। ये बहुत ही कॉमन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण टेंस है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस। वर्तमान काल या इंडिफिनिट, वर्तमान काल में कोई कार्य होता है तो उसमें क्या होता है, ता 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 ते ती ये लगाया जाता है, तो उसे हम लोग प्रेजेंट टेंस कहते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। वी कैन यूज द सिंपल प्रेजेंट टेंस, हम लोग अफर्मेटिव में, नेगेटिव और इंटरोगेटिव तीनों के रूप में हम लोग प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। अफर्मेटिव मीन्स क्या होता है, सकारात्मक, नेगेटिव नकारात्मक, और इंटरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक, जब यहाँ किसी चीज से प्रश्न पूछते हैं उसे, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में हम लोग 3 रूपों को पढ़ेंगे। देखिए स्ट्रक्चर कैसा बनता है अफर्मेटिव में, नेगेटिव में, इंटरोगेटिव में। अफर्मेटिव में क्या बनता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडिफिनिट में हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट में पहला इसका क्या रूल है, इसका रूल आप देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। सब्जेक्ट वर्ब, अगर सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर में रहेगा, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर में रहता है तो वर्ब के साथ हम लोग एस या ईएस लगाते हैं। जैसे अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, जैसे ही प्लेज बैडमिंटन, ये हुआ सिंगुलर के साथ, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगता है, वही सिंगुलर है, इसका वर्ब क्या है, प्ले, प्ले के साथ हम लोगों ने क्या लगा, एस, ये नियम है। और अगर ये प्लूरल होगा तो क्या होगा, मान लीजिए कि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, जैसे दे, तो दे के साथ प्ले, दे प्ले बैडमिंटन। इसमें देखिए दे प्लूरल है, इसलिए प्लूरल के साथ वर्ब एज इट इज रहता है, इसमें एस या ईएस नहीं लगता है। ये जो रूल हमारा है ये अफर्मेटिव का रूल है, ये हम लोगों ने जो पढ़ा ये किसका रूल है, ये अफर्मेटिव का रूल है। अब हम लोग देखिए निगेटिव का रूल देखेंगे। अगर हम लोगों ने निगेटिव लिया, निगेटिव का मतलब नकारात्मक, जिसमें नो, नॉट या नेवर का प्रयोग किया जाता है, वो निगेटिव होता है। जैसे यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट प्लस डू नॉट लगेगा या डज नॉट लगेगा, और ऑब्जेक्ट तो रहना ही है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर रहेगा। डू नॉट किसके साथ लगाते हैं हम लोग, प्लूरल के साथ, और आई और यू के साथ, हालांकि आई और यू सिंगुलर है, और इसके साथ और प्लूरल के साथ हम लोग डू नॉट लगाते हैं। डज नॉट किसके साथ लगाते हैं हम लोग, डज नॉट हम लोग लगाते हैं सिंगुलर पर्सन के साथ, सिंगुलर पर्सन होंगे हम लोग डज नॉट लगाएंगे, प्लूरल पर्सन होंगे ज़्यादा होंगे या आई और यू के साथ हम लोग डू नॉट लगाते हैं। ये हमारा निगेटिव का है। जैसे देखिए आई डू नॉट गो टू मूवी, और मान लीजिए डज नॉट लगे, वन पर्सन है, ही डज नॉट गोज टू सिनेमा। तो हम लोगों ने दोनों तरफ से देखा कि सिंगुलर में हम लोग डज नॉट लगाएंगे और प्लूरल में डू नॉट लगाएंगे।
अब यहाँ पे देखिए हम लोग इंटरोगेटिव में आते हैं। इंटरोगेटिव में क्या होता है, डू को पहले ही लगाया जाता है, डू और डस। डू और डस को हम लोग पहले लगाते हैं, फिर हम लोगों का आता है सब्जेक्ट, फिर आएगा वर्ब, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, डू और डस, पहले डू और डस आएगा, फिर हमारा सब्जेक्ट आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा और ऑब्जेक्ट। जैसे क्वेश्चन मान लो बोला, डू यू नो हिम, क्या आप उसे जानते हैं, तो डू लग गया, क्वेश्चन पूछा। यू यहाँ पे ये सब्जेक्ट हो गया, ये आपका यहाँ पे वर्ब हो गया, हिम ऑब्जेक्ट, डू यू नो हिम, दिस इज द इंटरोगेटिव। यही जो मैंने अभी आपको बताया पेपर में लिख के, यही चीज़ यहाँ लिखी हुई है। अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब का बेस फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म जिसे कहते हैं, और ऑब्जेक्ट, और वी एंड एस या मैंने अभी बताया आपको, एस या ईएस थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए लगता है और अदर सिंगुलर नाउन के लिए लगता है। अब देखिए इसमें एग्जाम्पल है, आई प्ले फुटबॉल, आई के साथ प्ले लगेगा, एस या ईएस नहीं लगता है। और ही लर्न्स, यहाँ पर देखिए ही सिंगुलर पर्सन ने लर्न के साथ एस लगाया है। नेगेटिव, नेगेटिव में नो नॉट नेवर का प्रयोग किया जाता है। देखिए सब्जेक्ट प्लस डस, डू या डस, नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। आई डू नॉट प्ले फुटबॉल एवरी वीकेंड, शी डज नॉट टेल अ लाई, देखिए शी के साथ डज नॉट लगा, आई के साथ डू नॉट लगा, अभी मैंने आपको बताया। वी यूज कॉन्ट्रैक्शन इन द निगेटिव, डोंट डजेंट, जैसे हम लोग निगेटिव में हम लोग क्या करता है, डू नॉट डज नॉट की जगह हम लोग डोंट लगाते हैं, डजेंट डजेंट लगाते हैं या डू नॉट लगाते हैं। ओके, नेक्स्ट इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्न पूछना, ऐसे शब्द जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम लोग जब सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ते हैं, इनडिफिनिट पढ़ते हैं जब हम लोग, तो डू और डज हमारे सेंटेंस में आता है, उसी को हम लोग पहले लगा देंगे प्रश्न पूछने के लिए। अगर क्वेश्चन हमारा यस या नो से शुरू है, कि जैसे डू यू नो हिम, आंसर क्या आया, यस आई नो हिम, या नो आई डोंट नो हिम। तो यस या नो में जब हमारा क्वेश्चन का आंसर आएगा, तो हम लोग डू या डस से शुरू करेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। और अगर डब्ल्यू एच क्वेश्चन शुरू करते हैं, देखिए डब्ल्यू एच वर्ल्ड में हु व्हाट व्हेन वेयर हाउ हाउ हूज हुम व्हाई, अगर इस तरह के डब्ल्यू एच फैमिली के क्वेश्चन लिखते, क्वेश्चन वर्ड रहेंगे, तो पहले हम लोग का डब्ल्यू एच क्वेश्चन रहेगा, फिर डू या डज रहेगा, सब्जेक्ट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए डू यू के, डू कैसे कर, डू यू स्पीक इंग्लिश, तो आंसर आएगा यस आई स्पीक इंग्लिश, या नो आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। ठीक है ना, तो ये है क्वेश्चन जब आपको पूछा है, तो यहाँ से डू से हाँ या ना के लिए डू से। डब्ल्यू एच क्वेश्चन आया, वेन डज ही डू हिज होमवर्क, कब वो अपना होमवर्क करता है, तो यहाँ पे वेन के साथ क्या लग रहा है, डज, डू या डज लगता है सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए। यूजेस ऑफ द सिंपल प्रेजेंट टेंस के कैसे यूज करते हैं, टू टॉक अबाउट द रेगुलर एक्शन और इवेंट, रेगुलर एक्शन की जब हम लोग बात करते हैं, जैसे कोई भी कार्य रेगुलर हो रहा है स्वभावतः, तो उसको द न्यूज यूजली स्टार्ट, न्यूज़ जो न्यूज़ है ये स्टार्ट होती है 6 एवरी इवनिंग, जॉन प्लेज गोल्फ ऑन संडेज सैटरडेज, जॉन खेलता है, ये यूजली जो काम हो रहा है रेगुलर एक्शन है। शी डजेंट कम हेयर एवरी वेरी ऑफन, वो हमेशा यहाँ पर नहीं आती। टू टॉक अबाउट द फैक्ट विच आर जनरली ट्रू, जो सच होते हैं, सच के लिए जैसे ट्रू होते हैं, वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री, दिस इज द साइंटिफिक फैक्ट, सन राइजेज इन द ईस्ट एवरीबडी नोज इट, सूर्य उगता है, द थेम्स फ्लोज थ्रू लंदन, थेम्स नदी लंदन से होकर गुजरती है। नेक्स्ट अब और कौन से हैं, टू गिव इंस्ट्रक्शन और डायरेक्शन, अगर किसी को कोई निर्देश देना हो, तो यू वॉक फॉर 200 मीटर देन यू टर्न लेफ्ट, दिशा बतानी है या इंस्ट्रक्शन देता है। यू स्टैंड देयर फॉर सम टाइम, निर्देश दे रहे हैं कि वहाँ पे कुछ देर तक खड़े रहो। तो ये जो है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता है। टू टॉक अबाउट समथिंग दैट इज फिक्स इन फ्यूचर, फिक्स फ्यूचर में ही बस फिक्स है, उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, द स्कूल टर्म स्टार्ट नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते से स्टार्ट हो जाएगा हमारा स्कूल।
ट्रेन लीव्स एट 10:45 दिस मॉर्निंग, सुबह 10 बजे ट्रेन छूटेगी। वी फ्लाई टू पेरिस नेक्स्ट वीक, हम लोग नेक्स्ट वीक पेरिस में जाएंगे। तो ये फ्यूचर टेंस में होने की बात हो रही है, मतलब कि भविष्य में ये काम होना है, लेकिन उसे हम लोग प्रेजेंट टेंस में किस प्रकार से यूज करते हैं ये हमने देखा। वी ऑफन यूज अ सिंपल प्रेजेंट विद द वर्ड्स दैट टेल यू हाउ ऑफन, कितनी बार, सिंपल टेंस में कितनी बार, तो इसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं, ऑलवेज हमेशा, नेवर कभी नहीं, ऑफन जल्दी अक्सर, समटाइम्स कभी कभी, यूजली साधारणतः संभवतः, वंस ए डे दिन में एक बार, ट्वाइस ए वीक दिन हफ्ते में दो बार, एवरी ईयर प्रत्येक साल, ऑल द टाइम हमेशा। एंजेला ऑलवेज फॉरगेट माई एडवाइस, हमेशा मेरी एडवाइस भूल जाती है। आई ऑफन गेट फीवर, मुझे अक्सर फीवर रहता है। यू नेवर लिसन टू मी, तुम कभी मेरी बात नहीं सुनते हैं। वी प्ले बास्केटबॉल ट्वाइस ए वीक, हम लोग हफ्ते में दो बार बास्केटबॉल खेलते हैं। टेक द करेक्ट ऑप्शन, सही कौन सा ऑप्शन, देखिए यहाँ पे थिंक्स है, यहाँ पे वर्ब में एस लगा है तो वन पर्सन ही होगा, तो द बॉस थिंक्स दैट यू आर वंडरफुल। वॉन्ट है, हम लोग पहले देखते हैं वर्ब को, वर्ब क्या लिखा, वॉन्ट, वॉन्ट लिखा है, एस तो नहीं लगा, वन पर्सन आई, आई के साथ हमेशा एस या एस वर्ब में नहीं लगता है, तो आई वॉन्ट अ न्यू जॉब। ब्रेड कॉस्ट अ लॉट, जब वर्ब के साथ एस लगा है, वन पर्सन ही होगा, सिंगुलर होगा, ब्रेड कॉस्ट अ लॉट। सैम सिंग्स वेरी वेल, यहाँ पे दो हैं इसलिए नहीं होगा, सिंग्स वर्ब में एस लगा है, वन पर्सन ही होगा, सिंगुलर नंबर, दैट इज सैम। यू ड्राइव टू फास्ट, यू ये तो सिंगुलर पर्सन है, लेकिन यू के साथ हमेशा वर्ब में एस या एस नहीं लगता है, दैट इज वाई यू ड्राइव टू फास्ट। आवर कैट नेवर कैचेस माइस, नेवर कभी नहीं, कैचेस एस लगा है तो आवर कैट एक ही कैट है। दैट चाइल्ड मेक्स अ लॉट ऑफ नॉइस, मेक्स एस एस लगा हुआ है तो चाइल्ड एक पर्सन है, सिंगुलर पर्सन है इसलिए मेक के साथ एस लगा हुआ है। माई फादर टीचेस इंग्लिश, माई फादर है मेरे पिता, वन पर्सन, इसलिए यहाँ पर टीचेस, टीच के साथ एस लगा है, वर्ब के साथ एस लगा है, सिंगुलर पर्सन के साथ लगता है। कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द गिवन बिलो, सेंटेंस को पढ़ के इसके मतलब समझ के तब हम लोग वर्ब के साथ एस या ईएस लगाएंगे। माई मदर सिंगुलर पर्सन, स्पीक्स इंग्लिश एट होम। स्मॉल चिल्ड्रन मेनी, आस्क क्वेश्चन ऑल द टाइम। सारा वन पर्सन, गो का गोस्ट, सारा गोस टू ऑक्सफोर्ड टू सी हर मदर ट्वाइस अ वीक। आई मेक मोर मिस्टेक्स इन इंग्लिश व्हेन आई एम टायर्ड, आई के साथ एस या एस नहीं लगेगा। आई ऑफन फॉरगेट पीपल्स नेम, आई के साथ इसमें वर्ब में एस या एस नहीं लगता है। वी यूजली लिसन टू द म्यूजिक इन द कार, वी बहुवचन है, प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर वर्ब के साथ एस या एस नहीं लगता है। माई ब्रदर लिव्स इन जर्मनी, मेरा भाई जर्मनी में रहता है, तो एक मेरा भाई है तो इसलिए लिव के साथ एस या एस लगा। आई वॉच अ लॉट ऑफ फिल्म्स ऑन टीवी, मैं बहुत सारी फिल्में देखता हूँ टीवी में, आई के साथ वॉच लगेगा। नेक्स्ट मेक द नेगेटिव सेंटेंसेस यूज डू नॉट, डोंट और डज नॉट और डजेंट, फॉलो द एग्जाम्पल। एग्जाम्पल आई प्ले फुटबॉल, क्रिकेट है, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, डू या डज नॉट ऐसे लगाना है। यू स्पीक वेरी गुड अरेबिक, यहाँ पे चाइनीज से शुरू करना है, यू डोंट स्पीक गुड चाइनीज। बिल प्लेज द पियानो वेरी वेल, यहाँ पे गिटार से लिखना है, बिल डजेंट प्ले द गिटार वेरी वेल। नंबर 3, वी एग्री अबाउट मोस्ट थिंग्स, यहाँ पे हॉलीडेज होगा, वी डोंट एग्री अबाउट हॉलीडेज।
माई फादर राइट नॉवेल्स, यहाँ पे पोएट्री से लिखना है, माई फादर डजेंट राइट पोएट्री. देबोरा वॉक्स इन लंडन, यहाँ पे लिव लिखना है, यहाँ का लिव लिखना है, यहाँ की वर्क्स को हटा के. देबोरा डजेंट लिव इन लंडन बिकॉज देबोरा इज वन बॉय और वो डजेंट, इसलिए यहाँ पे डजेंट होगा. टैटूज लाइक ओल्ड बुक्स, यहाँ पार्टी से लिखना है, तो टैटूज डजेंट लाइक पार्टी. टैटूज एक ही कोई है, कोई व्यक्ति एक ही व्यक्ति है, इसलिए यहाँ पे डू नॉट नहीं डज नॉट लगता है, क्योंकि हम लोग सिंगुलर में डज नॉट लगाते हैं. आई लाइक जैज, जैज की जगह हमको लिखना है पॉप म्यूजिक. आई लाइक जैज, नो आई डोंट लाइक पॉप म्यूजिक. डोंट लाइक आई के साथ डोंट लगता है, डजंट नहीं लगता. हनी रिमेम्बर्स नेम वेरी वेल, यहाँ पे होगा फेसेस, नेम्स को हटा देंगे हम लोग. हनी डजंट रिमेम्बर फेसेस वेरी वेल. नाउ वी स्टडी अबाउट द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, देखिए वी यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस टू टॉक अबाउट द थिंग्स दैट आर हैपनिंग जस्ट अराउंड द टाइम व्हेन वी स्पीक. जब हम लोग बात करते रहते हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मतलब वर्तमान काल में कोई कार्य लगातार चल रहा है. प्रेजेंट टेंस वर्तमान, कंटिन्यूअस लगातार चल रहा, इसी जो ये हमारा नाम है इसी में ही डेफिनेशन छिपा हुआ है. प्रेजेंट, प्रेजेंट का मतलब वर्तमान काल, कंटिन्यूअस मतलब लगातार चल रहा, वर्तमान काल में कोई कार्य लगातार चल रहा है, इसे हम लोग कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. देखिए ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में आप थोड़ा जान लीजिए, किसकी पहचान क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की क्या पहचान है, कि यहाँ पर जो हम लोग सेंटेंस बोलते हैं उसमें रहेगा रहा है, रही है, रहे हैं. जैसे वह जा रहा है, मेरी माँ खाना पका रही है, लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रहा है, रही है, रहे हैं, ये हमारी पहचान है. और रूल क्या है, रूल में है सब्जेक्ट प्लस इज एम और आर लगता है, इज एम आर और फर्स्ट वर्ब के जो फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ हम लोग जोड़ देंगे आई एन जी और साथ में ऑब्जेक्ट तो रहता ही है, राइट. अब देखिए सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में इज एम आर हम लोग जोड़ते हैं, राइट. इज किसके साथ जोड़ते हैं, सिंगुलर के साथ. इज हम लोग किसके साथ जोड़ते हैं, सिंगुलर के साथ. एम, एम हमेशा हम लोग आई के साथ जोड़ते हैं, आई के साथ और कुछ नहीं, सिर्फ एम लगता है. और आर किसके साथ लगता है, प्लूरल नंबर के साथ. प्लूरल नंबर रहेगा तो यहाँ पे आर लगेगा, और सिंगुलर नंबर रहेगा तो इज लगेगा, और एम किसके साथ लगेगा, सिर्फ आई के साथ. अब हम लोगों ने जैसे आगे पढ़ा था प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस या प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट, उसी प्रकार से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी तीन होते हैं. एक होते हैं अफर्मेटिव, एक होता है नेगेटिव और दूसरा होता है इंटरोगेटिव. लेकिन जब हम लोग अफर्मेटिव के बारे में, जब हम लोग अफर्मेटिव या कि सकारात्मक, अफर्मेटिव किसको कहते हैं, हिंदी में कहते हैं सकारात्मक, तो सकारात्मक क्या होगा, इसका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के साथ क्या रहेगा, इज एम और आर, जो ये है जो मैंने अभी आपको बताया. वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी जुड़ जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा, राइट. ये हो गया आपका अफर्मेटिव. जैसे देखिए सब्जेक्ट में हम लोग लिखेंगे बॉयज, आर बॉयज है सब्जेक्ट तो हम लोगों को आर लगाना पड़ेगा, प्लूरल का आर. डांसिंग वेरी वेल, बहुत अच्छे से डांस कर रहे हैं, बॉयज आर डांसिंग, लड़के डांस कर रहे हैं, आई एन जी लग गया, ये अफर्मेटिव हो गया आपका. इसी तरह से हम लोग निगेटिव देखेंगे, निगेटिव में क्या करते हैं, निगेटिव में देखिए सब्जेक्ट आप लिख देंगे, इज एम आर तो है ही है, इज एम प्लस आर, ये तीनों में से जिसकी ज़रूरत पड़ती है हम लोग वो लगाते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. जैसा सब्जेक्ट रहेगा उसी तरह से हम लोग इज एम आर लगाएंगे, और साथ में हम लोग क्या लगाएंगे, नॉट, नॉट लगाएंगे, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी, ठीक है. जैसे देखिए मान लीजिए यहाँ पे हम लोग ये लिख सकते हैं,
बॉयज आर नॉट स्टडिंग, लड़के नहीं पढ़ रहे हैं, नॉट स्टडिंग। देखिए यहाँ पे बॉयज है ना, ये प्लूरल है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या लगाया, आर लगाया है, ठीक है। और नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए हम लोगों ने नॉट लगा दिया। नेगेटिव सेंटेंस के लिए हम लोगों ने नॉट लगा दिया क्योंकि हम लोग यहाँ भी नेगेटिव पढ़ रहे थे। इसके पहले जब हम लोगों ने अफर्मेटिव पढ़ा उसमें हम लोगों ने, वो सकारात्मक था इसलिए हम लोगों ने नॉट नहीं लगाया था। यहाँ पे नेगेटिव होने के कारण हमने यहाँ पर नॉट लगाया है। यहाँ पे देखिए इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव मतलब होता है प्रश्नवाचक। जब हम लोग प्रश्नवाचक की बात करते तो वही इज एम आर ये हम लोग पहले लगा देंगे। इसके बाद इज एम आर के बाद हम लोगों ने सब्जेक्ट लगा देना है, सब्जेक्ट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने पूछा आर यू गोइंग टू मार्केट, क्या आप मार्केट जा रही हैं। जब ये भी बात है इज एम आर हम लोग कब पहले लगाते हैं, जब आपका आंसर यस या नो में आएगा, जब आपका आंसर यस या नो में आएगा। जैसे मैंने पूछा आर यू गोइंग टू मार्केट, तो आपका आंसर कैसे आएगा, यस आई एम गोइंग या नो आई एम नॉट गोइंग। आंसर इसी दो में आ सकता है, जब हम लोग पूछते हैं क्या क्या लगा के जब हम लोग प्रश्न बोलते हैं तो आएगा आंसर यस या नो में आएगा, तब हम लोग इज एम आर को पहले लगाकर हम लोग सब ये क्वेश्चन बनाते हैं इंटरोगेटिव। और भी और एक तरह से कैसे बनता है सब लोग जानते, अभी मैंने बताया डब्ल्यू एच क्वेश्चन से, डब्ल्यू एच वर्ड। डब्ल्यू एच वर्ड कौन कौन से हैं, हु व्हाट व्हेन वेयर हु हूज व्हाई। जैसे मान लीजिए इसमें क्या बनेगा, डब्ल्यू एच वर्ड लिख देंगे आप, डब्ल्यू एच वर्ड लिखेंगे, फिर इज एम आर ये तो लिखना जरूरी है क्योंकि ये क्या है हमारा वर्ब, इसके बिना तो चल ही नहीं सकता। इसके बाद हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस बताया, वेयर आर यू स्टडिंग, आप कहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, वेयर आर यू स्टडिंग। वेयर डब्ल्यू एच क्वेश्चन ये आ गया, इसमें आर यू यू है यू के साथ इसलिए हम लोगों ने आर लगा दिया, स्टडिंग। दीज आर द इंटरोगेटिव। तो हम लोगों ने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में पढ़ा कि अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव में किस तरह से हम लोग वर्ब का यूज़ करते हैं और नॉट का यूज़ करते हैं, नेगेटिव में नॉट का यूज़ करते हैं और इंटरोगेटिव में प्रश्नवाचक आर इज एम आर जो वर्ब रहता उसको कैसे हम लोग आगे लगाते हैं और डब्ल्यू एच क्वेश्चन से हम लोग कैसे बनाते हैं। अब ये देखिए जो अभी मैंने पेपर में आपको लिख के बताया है वही चीज़ें लिखी हैं, उसको एक बार पढ़ लेते हैं। वी कैन यूज द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इन अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव फॉर्म। हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को अफर्मेटिव में, नेगेटिव में और इंटरोगेटिव में लेंगे। अफर्मेटिव सकारात्मक, नेगेटिव नकारात्मक, इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक, ठीक है। लुक एट द सेंटेंस। अब देखिए स्ट्रक्चर देखिए कैसा है, जो अभी मैंने बताया आपको, सब्जेक्ट है इज एम आर लगाएंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी ऑफ मेन वर्ब दैट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल मीन्स मेन वर्ब के साथ आई एन जी जोड़ना और ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल देखिए आई एम डूइंग माई वर्क, मैं अपना काम कर रही हूँ। अब हम लोग आएंगे नेगेटिव में, नेगेटिव मतलब नकारात्मक, जहाँ पे डज नॉट डू नॉट ये सब लगाता है, नॉट का प्रयोग होता है। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर जरूरी है। इज फिर से बता रही हूँ, इज सिंगुलर में, एम सिर्फ आई के साथ और आर प्लूरल में लगाया जाता है। नॉट का प्रयोग होगा क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस हम पढ़ रहे हैं और प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ मेन वर्ब यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ हम यहाँ पे आई एन जी लगाते हैं। ऑब्जेक्ट इसकी एग्जांपल देखिए, आई एम नॉट वर्किंग हार्ड दिस डेज, मैं आजकल ज़्यादा मेहनत नहीं कर रही हूँ। वी यूज द कॉन्ट्रैक्शंस इन द नेगेटिव कॉन्ट्रैक्शन, जैसे इजेंट इज नॉट को इजेंट, आर नॉट को आरेंट भी हम लोग लिखते हैं। नेक्स्ट देखिए आया हम लोग अब पढ़ेंगे इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव का मतलब प्रश्नवाचक, फॉर यस या नो। अब मैं अभी बताया आपको कि यस या नो का अगर आंसर आता है तो हम लोग इज एम आर को पहले लगा देंगे, जो वर्ब है उसको पहले लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ मेन वर्ब दैट इज वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी और ऑब्जेक्ट।
और अगर हमारा WH क्वेश्चन है, WH वर्ड, हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हुज, ये अगर क्वेश्चन होगा तब कैसे लगाएंगे? WH वर्ड लगाएंगे, इज एम आर ये वर्ब, सब्जेक्ट लगाएंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ मेन वर्ब यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए इज एम आर वाला, देखिए कैसे लगता है यस या नो का आंसर। आर यू कंप्लीटिंग योर प्रोजेक्ट, क्या तुम प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहे हो? क्वेश्चन आएगा यस या नो, यस आई एम कंप्लीटिंग या नो आई एम नॉट कंप्लीटिंग, दो आंसर आया यस या नो में। दूसरा देखो, व्हाट आर दे प्लानिंग फॉर देयर फ्यूचर, अपने फ्यूचर का वो क्या प्लानिंग कर रहे हैं। यूज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को कैसे हम लोग यूज करते हैं, देखिए टू टॉक अबाउट द एक्शन विच इज टेकिंग प्लेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब हम लोग बात कर रहे हैं उसी समय वो एक्शन हो रहा है। लुक, देखो समबडी इज ट्राइंग टू स्टील दैट मैंस वॉलेट, देखो वो कोई उस आदमी का वॉलेट चुराने की कोशिश कर रहा है। आई एम नॉट लुकिंग, मैं नहीं देख रही हूँ। माई आईज आर क्लोज टाइटली, मेरी आँखें बहुत तेजी से बंद हैं, कस के बंद हैं। हु इज फेल, हु इज बेन टॉकिंग टू ऑन द फोन, बेन किससे फोन पर बात कर रहे हैं, जो बात में काम अभी हो रहा है, जब बोलते समय जो काम हो रहा है उस समय हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। नेक्स्ट, टू टॉक अबाउट द एक्शन इज ट्रू एट द प्रेजेंट टाइम बट वी डोंट थिंक इट विल बी ट्रू इन द लॉन्ग टर्म, ये हम लोग उस समय भी हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस लगाते हैं कि अभी जब हम लोग बात कर रहे हैं जो एक्शन हो रहा है प्रेजेंट टाइम में हो रहा, लेकिन हम लोग ये नहीं जानते कि आगे भी ये चलेगा। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर ए न्यू अपार्टमेंट, मैं एक नए अपार्टमेंट के लिए ढूंढ रहा हूँ, नया अपार्टमेंट यानी मकान घर ढूंढ रहा हूँ। वीर इज थिंकिंग अबाउट लीविंग हिज जॉब, वीर अपने जॉब को छोड़ने की सोच रहा है। आर यू गेटिंग इनफ स्लीप, क्या तुमने पूरी नींद ले ली अपनी, ये अभी के लिए अभी जो एक्शन हो रहा उसकी बात हो रही है। नेक्स्ट, टू टॉक अबाउट द एक्शन एट ए डिफिनेट पॉइंट इन द फ्यूचर एंड इज ऑलरेडी बीन अरेंज, अब ये जो है पहले से वो जो है मीटिंग तय है, पहले से बातें तय हैं और उसके बारे में एक डेफिनेट एक्शन किसी समय होगा उसकी बात करें। जैसे आई एम मीटिंग हर एट 6:30 PM, मैं सामा 6:30 PM उससे मिलूंगी। दे आर नॉट अराइविंग अनटिल ट्यूजडे, वो ट्यूजडे तक यहाँ पे नहीं आ रहे हैं, मतलब कि फ्यूचर में ही काम होने वाला है, जिसकी अरेंजमेंट अभी से हो गई है उसके बारे में भी जब हम लोग बात करते हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस लगाते हैं। इज ही कमिंग टू डिनर, क्या वो डिनर पे आ रहा है। नेक्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग पैराग्राफ विद द प्रेजेंट कंटिन्यूअस और सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी लिख सकते हैं और सिंपल प्रेजेंट में भी लिख सकते हैं इन द ग्रेविन ब्रैकेट। मिस्टर जॉन इज अ डॉक्टर, ही लुक्स आफ्टर द सिक पीपल, ही यूजली गेट्स अप एट 6 o'clock, टुडे ही इज लेट, इट इज 6:30 एंड ही इज स्टिल इन द बेड। ही यूजली गोज टू वर्क बाई द ट्रेन बट टूडे ही इज ड्राइविंग एट टू वर्क, ही अराइव्स एट वर्क एट 6:30 एवरी मॉर्निंग बट इट इज 7:30 नाउ ही इज स्टिल, ये या फिर नहीं लगेगा कुछ। यहाँ पे हम लोग अराइविंग लिखते हैं, ही अराइव्स एट वर्क 6:30 एवरी मॉर्निंग बट इट इज 7:30 नाउ ही इज स्टिल अराइविंग, इट इज 12 o'clock नाउ, ही ऑलवेज हैज हिज लंच एट 12 बट टुडे ही इज नॉट हैविंग लंच एट 12, ही इज लुकिंग आफ्टर हिज सिक पेशेंट्स, इट इज 7:30 नाउ, मिस्टर जॉन इज वर्किंग वॉचिंग टीवी, ही यूजली वॉचेज टीवी एट 7:30
बिकॉज हिज फेवरेट प्रोग्राम स्टार्ट्स एट 7:30. मिस्टर जॉन टेक्स हिज डिनर एट 8:30 एवरी डे एंड ही इज हैविंग डिनर नाउ. इट इज 24 नाउ. मिस्टर जॉन इज गोइंग टू बेड. ही ऑलवेज गोज टू बेड एट 24 आवर्स. अब हियर वी सी द सिंपल प्रेजेंट एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. सिंपल प्रेजेंट थिंग्स दैट आर ऑलवेज ट्रू, जो हमेशा सच होती हैं, और थिंग्स दैट आर हैपनिंग नाउ, जो अभी हो रही हैं. सिंपल प्रेजेंट में थिंग्स दैट हैपेंड ऑल द टाइम, हमेशा होती रहती हैं. रिपीटेडली ऑफेन मतलब दोबारा से हो रही, ऑफेन अक्सर, समटाइम्स कभी कभी, नेवर कभी नहीं. एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस में थिंग्स आर हैपनिंग अराउंड नाउ, अभी हो रही हैं. सिंपल प्रेजेंट टेंस द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य उगता है. सन इज नॉट शाइनिंग, नहीं चमक रहा है. शी ऑफ एन वियर्स रेड, वह अक्सर लाल पहनती है. शी इज वियरिंग ए ब्लू ड्रेस, वह ब्लू ड्रेस पहनी है. आई प्ले टेनिस, आई एम प्लेइंग ए लॉट ऑफ टेनिस. यहाँ पे आई प्ले टेनिस सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आई एम प्लेइंग टेनिस. अब हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में. वी यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस व्हेन वी वांट टू लुक बैक फ्रॉम द प्रेजेंट टू पास्ट. हम लोग पास्ट को प्रेजेंट पास्ट से देखते हैं प्रेजेंट की तरफ. वी कैन यूज द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इन अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव फॉर्म में हम लोग इसको यूज करना सीखेंगे. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये होता है वर्तमान काल में कोई कार्य हो चुका है, कार्य खत्म. देखिए इसी में ये जो डेफिनेशन हमको इसी में मिल जाएगा. प्रेजेंट, प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान काल. परफेक्ट, परफेक्ट माने पूर्ण हो गया. परफेक्ट माने पढ़ने, आप क्या कहते हैं जब परफेक्ट आप पढ़ते हैं, परफेक्ट कोई काम परफेक्ट हो गया. ही इज वेरी परफेक्ट पर्सन. पूर्ण हो जाना तो वर्तमान काल में, वर्तमान काल में किसी कार्य का पूर्ण हो जाना, परफेक्ट हो जाना, इसी को हम लोग कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. चुका है, जैसे हिंदी में अब हम लोग कहेंगे इसकी पहचान क्या है. पहचान है चुका है, चुकी है या चुके हैं. यह काम हो चुका है, माँ खाना पका चुकी है. ठीक है, इसमें ये है, ये इसकी पहचान है. अब इसमें हम लोग रूल देखते हैं. इसके रूल क्या हैं? सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म. बहुत आसान है. सब्जेक्ट लगाएंगे, हैव या हैव भी लगाते हैं. हैज किस में लगाते हैं हम लोग? हैज हम लोग ने सिंगुलर में लगाते हैं. और हैव कहाँ लगाते हैं? हैव हम लोग प्लूरल में लगाते हैं. सिंगुलर में हैज लगाएंगे, प्लूरल में हैव, और हैव हम लोग प्लूरल में भी लगाते हैं. साथ में आई और यू के साथ भी हम लोग हैव लगाते हैं और वर्ब का थर्ड फॉर्म. अब देखिए इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, उसका रूल. सब्जेक्ट हैज हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म. जैसे आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपना काम फिनिश कर लिया है, खत्म कर लिया. हैव, आई के साथ हैव लगा है और फिनिश का थर्ड फॉर्म फिनिश्ड. दिस इज द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. वर्तमान काल में कोई कार्य पूर्ण हो चुका है, इसकी पहचान है चुका है, चुकी है, चुके हैं. अब देखिए इसमें हम लोग अफर्मेटिव पढ़ेंगे. इसमें तीनों से हम लोग पढ़ेंगे. पहला है अफर्मेटिव, फिर निगेटिव, फिर इंटरोगेटिव. हम लोग पहले अफर्मेटिव की बात करते हैं. अफर्मेटिव में एज इट इज़ जो हमने रूल पढ़ा है, इसकी जो रूल है यही अफर्मेटिव में ही लगेंगे. सब्जेक्ट प्लस हैव 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 हैज एंड हैव और वर्ब थर्ड फॉर्म. दिस इज द अफर्मेटिव सकारात्मक. द बॉयज हैव कंप्लीटेड देयर वर्क, उन्होंने काम कंप्लीट कर चुके हैं. लड़के काम कंप्लीट कर चुके हैं. हैव
कैसा, यहाँ पे बॉयज है प्लूरल है, इसीलिए हमने क्या लगाया यहाँ पर, हैव लगाया। कंप्लीट का थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड देयर वर्क। अब इसी का ही देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट में हम लोग निगेटिव में देखेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैज नो हैज हैव के साथ हम लोग क्या लगा देंगे, नॉट, नॉट लगा देंगे, और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का हम लोग यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ही हैज नॉट गॉन टू ऑफिस। अब यहाँ पर देखिए हैज नॉट लगा है, नॉट हम लोगों ने, ये नेगेटिव है इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे नॉट लगाया है, गो का थर्ड फॉर्म गॉन और ही के साथ यहाँ पे हैज लगता है, दिस इज द नेगेटिव। नाउ वी कम टू इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक, जिसमें प्रश्न पूछा जाता है। तो जैसे हम लोगों ने दोनों में पढ़ा है, अगर यस या नो रहेगा, यस और नो में अगर हमारा आंसर आता है यस या नो में, तो हम लोग पहले लगाएंगे हैज या हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, राइट। ये हमारा हो गया यस या नो में। नहीं, जैसे मैंने पूछा, मान लीजिए हैव यू ईटन योर डिनर, हैव यू ईटन, क्या तुमने लिया डिनर, यस या नो में आंसर आएगा। अभी मान लीजिए, अब दूसरी बात क्या है, ये तो यस या नो में है, और डब्ल्यू एच क्वेश्चन से कैसे रहेगा, डब्ल्यू एच वर्ड, इसमें डब्ल्यू एच वर्ड आ जाएंगे, प्लस हैज हैव, प्लस सब्जेक्ट, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। व्हाई हैव यू डन दिस, व्हाई हैव यू डन दिस, व्हाई डब्ल्यू एच वर्ड है, इसमें हम लोगों ने हैव लगाया, देन हैज या हैव, इसके बाद सब्जेक्ट हमारा लगा यू डन दिस, व्हाई हैव यू डन दिस, दिस इज द इंटरोगेटिव इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। Now we read this. Look at the structure. Affirmative subject plus has had plus participle of the main verb. Main verb का third form or object. I have read this book. In negative, we use no, not, never. Subject has had plus not. Past participle of main verb. Verb का third form or object. The man has not gone away. We use contractions in the negative, जैसे hasn't और haven't का प्रयोग हम करते हैं। Interrogative प्रश्नवाचक for yes or no. Interrogative में for yes or no, अभी जो मैंने बताया आपने को, yes or no अगर होगा तो has है, फिर subject is past participle of the main verb, और for wh word के लिए wh word plus has है, subject और पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द मेन वर्ब। जैसे अगर यस नो है तो हैव यू रिटन योर लीव एप्लीकेशन, और व्हाट हैज ही प्लान्ड फॉर फ्यूचर। यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जैसे कैसे यूज करते हैं, लुक बैक ऑन द रिसेंट पास्ट, अभी अभी जो बीता है, ही हैज टेकन माई कॉपी, आई डोंट हैव वन, दे हैव कैंसल्ड द मीटिंग, द सेल्स टीम हैज डाउटेड डबल्ड इट्स टर्नओवर, अभी अभी जो काम रिसेंट पास्ट में हो चुका। नेक्स्ट टू लुक बैक इन द रिसेंट पास्ट, पीछे देखने के लिए, देखा, वी ऑफन यूज, जैसे जस्ट ऑलरेडी यूज करते हैं हम लोग, और नेगेटिव और क्वेश्चन के लिए येट, जैसे वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट, ही हैज नॉट अराइव्ड येट, आई हैव जस्ट डन इट, दे हैव ऑलरेडी मेट, हैव यू स्पोकन टू हिम येट, अभी तक बात की क्वेश्चन के लिए, हैव दे गॉट बैक टू येट, टू लुक बैक एट द मोर डिस्टेंस, दूर में, दूर तक देखने डिस्टेंस में, तो क्या होता है, वी हैव बीन टू सिंगापुर ए लॉट ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स। सेकेंड नंबर, ही हैज डन दिस टाइप ऑफ द प्रोजेक्ट मेनी टाइम्स बिफोर,
दे हैव ऑफन टॉक्ड अबाउट इट इन द पास्ट टू एम्फोसाइज दैट द इवेंट कंटिन्यूज इन द प्रेजेंट. जो एम्फोसाइज जोर देकर कहना कि जो काम अभी भी कंटिन्यू हो रहा है. जूलिया हैज वर्कड एज असिस्टेंट हेयर फॉर 5 ईयर्स. साइमन हैज अचीव्ड अ लॉट इन हिज लाइफ. फॉर और सिंस लगता है. देखिए फॉर लगता है कब, पीरियड ऑफ टाइम के लिए. सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए. पीरियड ऑफ टाइम कितने लंबे समय तक वो काम हो रहा है, और सिंस पॉइंट ऑफ टाइम उसी समय बताता है कि कितने समय शुरू हुआ या कितने समय चल रहा. सिंस और फॉर मेनी कॉमन टाइम एक्सप्रेशन है. पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर जो है पीरियड ऑफ टाइम के लिए लगता है. जैसे आई हैव लिव्ड हियर फॉर 20 ईयर्स, पीरियड बता रहा है 20 साल के लिए, तो फॉर लगा है. और व्हेन टॉकिंग ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट, जब से शुरू हुआ है, पॉइंट ऑफ टाइम बताता है. आई हैव लिव्ड हियर सिंस 1960. कब से रह रहे हैं, सिंस 1960 से. फिल इन द ब्लैंक्स इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस.